नमस्कार, मुकनायक इंडिया टीवी से मैं भास्कर सुमन। राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद यानी पुष्यमित्र शुंग जो उनके सेनापति थे उन्होंने राजा बृहदत्त की हत्या की, निर्मम हत्या की। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र रचकर, ये वो इसलिए षड्यंत्र रचा गया था कि बौद्ध धर्म जो फैल रहा था उसे रोका जाए और ब्राह्मण धर्म को फैलाया जाए, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र के तहत पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त की निर्मम हत्या की और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, स्वयं घोषित किया राजा और एक राजगद्दी पर बैठ गया। और वहां से उन्होंने ब्राह्मण धर्म को फैलाना शुरू कर दिया, चारों तरफ ब्राह्मण शाही फैल गई। कई हजारों भिक्कुओं का निर्ममता से कत्ल कर दिया गया, हजारों भिक्कु इस देश से पलायन कर विदेशों में चले गए और इस देश में केवल नाम मात्र एक नामशेष बौद्ध धर्म रह गया। चारों तरफ ब्राह्मण शाही का फैलाव हो चुका था और उसके सम्राट बृहदत्त के बाद में शुंग, सातवाहन, कन्व, वाकाटक और कम्बोज जैसे ब्राह्मण राजा बन गए जिन्होंने ब्राह्मण शाही को, ब्राह्मण धर्म को फैलाया। और ईस्वी सन 200-300 में रामायण, महाभारत और मनुस्मृति लिखी गई ब्राह्मण शाही को फैलाने के लिए। रामायण और महाभारत और मनुस्मृति को लिखा गया और यही से फिर पुनर्जन्म, भाग्यवाद, स्वर्ग नरक, कर्मफल, अवतारवाद और परलोकवाद का जन्म। पुनर्जन्म, भाग्यवाद, कर्मफल, अवतारवाद और इन स्वर्ग नरक ऐसी बातों का, अंधविश्वास की बातों का फैला हुआ, अंधविश्वास पूरी तरह से फैल चुका। और यही नहीं बल्कि मूर्ति पूजा और मंदिरों में भक्ति, ये लोगों की यानी दैनिक, लोगों के दैनिक कर्म हो गए थे, दैनिक कार्य हो गए थे, मंदिरों में पूजा करना, मूर्ति पूजा करना। और ब्राह्मणों ने खुद को इस पृथ्वी का भगवान बताया कि ब्राह्मण ही इस पृथ्वी के भगवान है, ऐसे चारों तरफ फैला दिया। और यही से ब्राह्मण धर्म का फैलाव हुआ और बुद्धिज्म केवल नाम के लिए रह गया था, मूर्ति पूजा और चारों तरफ अंधविश्वास फैल गया तो लोग मूर्ति पूजा में लग गए थे, मंदिरों में जाना शुरू कर दिया था, अंधविश्वास इतना बढ़ गया था, अपने कर्म पर विश्वास करने लगे थे। और फिर जब ये फैलाव हुआ ब्राह्मण शाही का और चारों तरफ लोग मूर्ति पूजा में लग गए थे, भगवान की पूजा करने में लगे हुए थे, उसी समय विदेशी लोगों ने इस देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, उनका लाभ उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहां लोग लड़ने के लिए तैयार हुए, जो भी आए उसका स्वागत करते थे और फिर उसको आने के लिए अनुमति देते थे। और यही से इसी कालखंड में कई विदेशियों ने इस देश पर आक्रमण किया। इसमें ईस्वी सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आए, मोहम्मद बिन कासिम 711 में उन्होंने आक्रमण किया इस देश पर। 1018 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, 1018 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। 1173 में अफगान के मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया। ये सब लाभ उठाते थे या कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, एक वर्ण व्यवस्था तैयार हो चुकी थी और सब लोग मंदिर की पूजा में, मंदिर भक्ति में, भगवान की पूजा में लग गए थे और विदेशी लोग इसका लाभ उठाने लगे थे और विदेशियों ने फिर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 1173 में अफगान से मोहम्मद घोरी आए, 1398 में मंगोल के तैमूर ने आक्रमण किया, 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने आक्रमण किया,
और सबको पराजित करते हैं। 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने आक्रमण, 1738 में अफगान के नादिर शाह ने आक्रमण किया, और अंतिम शासक जो रहे थे बहादुर शाह जफर, नादिर शाह के बाद अंतिम शासक रहे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद फिर अंग्रेज इस देश में, 1800 में उन्होंने यहाँ एंट्री की इस देश में, और फिर यहाँ के जो लोग जो वर्ण व्यवस्था में पूरे लिप्त हो गए थे, चारों तरफ जातिवाद, इस छुआछूत, और लोग ज्यादा भगवान पर विश्वास करने लगे, मंदिरों में भक्ति करने लगे थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे थे, और उनकी जो लड़ने की क्षमता थी वो सब समाप्त हो चुकी, और इसी का लाभ उठाकर जितने भी वहां विदेशी लोग आए उन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, कब्जा किया और यहाँ राज चलाया अपना। और उसके बाद में बहादुर शाह जफर के बाद में अंग्रेज यहाँ पर आए, और अंग्रेजों ने फिर आप तो जानते हैं कितने सालों सालों तक यहाँ पर राज किया। यह मूर्खता केवल ब्राह्मणों ने की, ब्राह्मणों की मूर्खता के कारण जितने भी शासक यहाँ विदेशी लोग आए उन्होंने यहाँ पर राज किया, अपना राज चलाया, इस देश पर राज चलाया। सैकड़ों सालों तक ये देश गुलाम रहा, इसका कारण इसके जिम्मेदार है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ने इस देश से बुद्धिज्म को समाप्त कर दिया, तो ब्राह्मण ही इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ बुद्धिज्म पूरी तरह से फैल चुका था सम्राट अशोक के जमाने, चारों तरफ बुद्धिज्म फैल चुका था, बौद्ध धर्म की जड़ें यहाँ इतनी गड़ चुकी थी, लेकिन ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके उसे नेस्तनाभूत कर दिया, बौद्ध धर्म का पतन उन्हीं के कारण हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।